किसी की जान सुरक्षित नहीं। नीतीश कुमार का दावा 16 आना गलत है कि यहाँ कानून का राज चल रहा, यहाँ अपराधियों का बोलबाला हो गया। रोज दिन हत्याएं हो रही है और मुझे लगता है कि सत्ता के द्वारा संरक्षित अपराध नहीं रुक रहा। जब तक सत्ता का संरक्षण नहीं होगा तब तक अपराध बढ़ेगा नहीं, अपराध होगा नहीं। वहाँ कहते हैं कि उनकी पार्टी के सत्तारूढ़ विधायक हैं उन्हीं के लोग सब हत्यारे हैं और अपराधी हैं, सैकड़ों केस हैं। लेकिन वो अभी वो जो मोबाइल और जो सबसे पता चला है कि जितना पुलिस वाले गोली चलाएंगे उतना तो हम जेब ही में रखते हैं, ये बोला है। कहा जी आयोग मर्डर से होगा, लाशें बिछेगी। ये चैलेंज टू द गवर्नमेंट, चैलेंज टू द एडमिनिस्ट्रेशन, चैलेंज टू द पुलिस महात्मा है। लेकिन अब सत्तारूढ़ पार्टी के लोग है, कहे कोई कुछ कर। कहीं ना कहीं लग रहा है कि सुशासन पूरी तरह से फ्लॉप है। कुछ नहीं, कुछ सुशासन हो गया कुशासन, ये इससे बढ़कर और कुशासन क्या होगा। इससे पहले भी सर वैशाली में लगभग 10 हत्याओं का दौर है, वह मुखिया के मार दिया, लव सिंह मुखिया के मार दिया। बराबर हाजीपुर प्रॉपर में बराबर हत्याएं रोज रोज हत्याएं हो रही है। ये हत्याओं का तो ये कहते कि ये हाजीपुर है कि हत्यापुर है। सुशील मोदी का महाजंगल राज पूरा लग रहा है। सुशील मोदी का क्या चलता है, वो अपना कुछ बोलते उलते रहते हैं। उनको एक बार भी वैशाली और हाजीपुर में इतनी हत्याएं हुई सुशील मोदी नहीं आए, नहीं आए या न बोलेंगे इस पर कुछ। सभी हत्याओं में सत्तारूढ़ दल का संरक्षण हत्यारों के लिए प्राप्त है, इस वजह से अपराधी निर्धरोक हो गए हैं, बेलगाम हो गए हैं और कहीं कोई विधि व्यवस्था नहीं है। लोग हर कोई आशंकित है कि कब किसकी हत्या हो जाए। तेजस्वी यादव ने तो स्टैंड पूरा क्लियर कर दिया है कि राजद कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर अब वो रुकेंगे नहीं, महाआंदोलन होगा, भारी आंदोलन इसमें होगा, राज्यव्यापी आंदोलन होगा।